छंद। हम जब संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं या संस्कृत साहित्य की बात करते हैं, हम संस्कृत साहित्य को वेदों से ही प्रारंभ करते हैं, चाहे उसकी कोई भी विधा हम लेकर के चले, हमारा प्रारंभ होता है वैदिक साहित्य से। जब हम छंद की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि वैदिक व्यवस्था में, वैदिक काव्यों में, ऋग्वेद आदि, यजुर्वेद आदि में, सब में हमें छंद प्राप्त होते हैं। वहाँ पर भी छंद थे, क्योंकि गद्य और पद्य दो विधाएं हमें मिलती हैं जब हम संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। गद्य और पद्य दो विधाएं मिलती हैं, और जो गद्य है, जब हम काव्य की बात करते हैं, सिर्फ काव्य की ही बात करते हैं, तो गद्य और पद्य दो काव्य मिलते हैं, लेकिन काव्य के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक तत्व है अलंकार, रस, गुण आदि। लेकिन वो चाहे गद्य काव्य हो या पद्य काव्य हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पद्य काव्य वह होता है जिसमें छंद के भी, छंद नामक उपादान भी होता हो। छंद नामक उपादान क्या है? जिसके कि उसमें यति, विराम, मात्राएं, अक्षर, वर्ण आदि की गणना होती है। यति आदि, विराम आदि भी लेने पड़ते हैं, उसको हम छंद कहते हैं। और छंद को हम दूसरे रूप में कहें तो पद्य काव्य छंद काव्य होता है, या उसको छंद हम कहते हैं। अब हम इसकी जब श्रृंखला देखें, जब चूंकि हम वेदों से इसके बारे में मानते हैं, तो उषा सूक्त है और जो अग्नि सूक्त है, इन सब में हम छंदों को देखते हैं कि वहाँ पर जो पदपाल होते थे या विजय पढ़ी जाती थी तो छंदों में ही पढ़ी जाती थी। गद्य भी वहाँ पर मिलता है, लेकिन गद्य वाचिक या संवाद का विषय था। पद्य क्यों ज़्यादा हमारे प्रचलन में रहा, काव्य में क्यों ज़्यादा प्रचलन रहा, उसका मुख्य कारण है कंठस्थ करने में वो सरल रहता है। और श्रुति जो हमारा काव्य है, वैदिक साहित्य है, वो पूरा जो श्रुति परंपरा से आया, श्रवण परंपरा से आया। पर श्रवण परंपरा के लिए आवश्यक है कि वो जो कि याद करने में सहज हो, सरल हो, जिसको हम आसानी से कंठस्थ कर सके। इसलिए पद्य का ज़्यादा प्रचलन रहा, पद्य का प्रचलन रहा तो वो छंद स्वतः ही उसमें समावेश हो गया। अब वो कहते हैं कि छंद की का प्रारंभ कहाँ से हुआ? वैसे तो जब हम साहित्य से मानते हैं कि सबसे प्रारंभिक साहित्य हम जो मेरे वेदों को मानते हैं तो वेदों से मानते हैं, लेकिन दूसरे रूप में देखें तो भरत मुनि ने का जब हम उसमें नाटक के लक्षण और वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर भी छंद नामक जो पालन है उसको काव्य का या पद्य काव्य का एक विशेष अंग कहा गया है। लेकिन जब हम अपने उस दूसरे रूप में जाते हैं कि हम छंद की उत्पत्ति कहाँ से मानी, तो ये शिव से ही मानी जाती है, जो कि हमारे यहाँ पर है कि हम साहित्य से मानते हैं तो वेदों से मानते हैं। अन्य रूप में हम शिव और शिव के बाद में बृहस्पति, शिव को से बृहस्पति को मिला, माटे मुनि को मिला, आगे भारतीय परंपरा में हम सबसे पहला साहित्य मानते हैं पिंगल मुनि का छंद शास्त्र मानते हैं, जिनको पिंगल मुनि कहा जाता है, जिनको छंद की बात की। उसके बाद में कालिदास वगैरह ने भी ये जो माना जाता था कि इन्होंने अपनी पत्नी को छंद का बोध कराने के लिए एक 43 छंदों का एक ग्रंथ लिखा, जिसमें कि वो बहुत आसानी से उसको छंद समझा सकें। और 43 छंद में उसकी सबसे बड़ी विशेषता, उसको तो बहुत नाम का बोध का काव्य था, तो वो उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो उसमें जो लक्षण थे, जो परिभाषाएँ थी छंदों की, वही उसके उदाहरण थी। उन्होंने एक बहुत सहज और सरल काव्य था, उसके बाद में और भी परंपरा मिलती है और हम बाद में कई शास्त्रों और छंद काव्य देखते हैं। अब जब वैदिक और उसके बाद में आएगा तो हम आपकी जब वैदिक साहित्य गद्य पद्य दोनों में था, लेकिन जब हम संस्कृत साहित्य की परंपरा में चलते हैं, बीच में उज्जीव्य काव्य आते हैं, उसके बाद में हमारा टॉपिक संस्कृत साहित्य आता है, रामायण और महाभारत उज्जीव्य काव्य के रूप में आता है, वो भी छंदोबद्ध है, उसमें अनुष्टुप छंद का बहुत ही प्रयोग किया गया है। वाल्मीकि का जो रामायण है उसको हम जानते ही हैं, सबसे पढ़ा है कि छंद से ही उनका प्रारंभ हुआ था, ये तो चिन्ह गुना देखा अभी काम हो ही था, जो श्लोक है वो भी छंदोबद्ध है। अब लौकिक साहित्य में जब हम और आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि जब वो छंद रचनाएं हुई उसमें हम दो तरह के छंदों का भेद मानते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में इसको हम आर्य जाति छंद, मतलब जैसे आर्य छंद है वो मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है, उसको हम जाति छंद भी कहते हैं। मात्रिक छंद में जो मात्राएं हैं गुणों के आधार पर, लघु और गुण मात्राओं के आधार पर अक्षरों की गणना होती है, मात्राओं की गणना होती है, उसको हम मात्रिक छंद कहते हैं। दूसरा आता है वर्णिक छंद, इसमें वर्णों की गणना की जाती है, उसको वृत्त छंद भी कहते हैं, क्योंकि चार पालों में होता है और जो तीन कार्य बनता है उसके आधार पर हम उसको अवृत छंद भी कहते हैं।
इसको याद करने के लिए सबसे सुगम और एक सूत्र बनाया हुआ है, यह माता राजभानस सरलम, जिसको लेकर के और हम आठ जो हमारे वो बनते हैं बल, है ना, गण बनते हैं, जिसे हम गण कहते हैं, आठ गण हमारे बनते हैं, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण लगण और फिर बाद वो सगण और उसके बाद में रघु और गुरु। कारण ये सूत्र इसलिए वो ज्यादा रहा क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर ट्रिक बनाते हैं, तीन का एक बनाते हैं, यगण में हम इसकी मात्रा गिनते हैं तो एक लघु मातृ गुरु और काका गुरु आ जाता है, ये मगण हो जाता है। उसी प्रकार से फिर हम मगण बनाते हैं तो माता राहु तीनों गुरु आ जाते हैं। अतः इस प्रकार से जो हमारे है इसमें वर्णिक छंद में वर्णों की गणना करते हैं कि लघु वर्ण है कि दीर्घ वर्ण, लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण इनको हम किस तरह से निश्चित करते हैं। तो लघु वर्ण दीर्घ गुरु वर्ण के लिए हमने देखा कि लघु वर्ण होते हैं ए अ ई उ ऋ और लि, इनको लघु वर्ण कहते हैं। गुरु वर्ण जो है उसमें दीर्घ अ दीर्घ ई दीर्घ उ दीर्घ ऋ और संयुक्त वर्ण ए ऐ ओ औ, इसको हम गुरु वर्ण के अंतर्गत लाते हैं। हम उसी प्रकार से मात्राएं बनाते हैं। चूंकि हमारे कोर्स में जो 11 छंद हैं अभी और जो एक बाकी छंद सिर्फ एक मात्र हमारे कोर्स में आने जाने छंद है, उसके बाद में जो हमारे 10 छंद हैं वो कोर्स में जो है वो वर्णिक छंद है, अनुस्रूप उपेंद्र वजह सब इंद्र वजह उपजा स्तंभ धरा मंत्रा कांसा शादी अनुमानी। हम इन क्रमशः पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मात्रा लगाने का एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ के स्वरों को देखते हैं। जब वर्ण की हम गणना करते हैं लघु वर्ण है कि दीर्घ वर्ण है, क्योंकि वर्ण चिन्ह तो हम उसको मात्रा नहीं कहते, हम वर्ण कहेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो एक तरीका ये होता है, एक तरीका और जो इसमें वर्णों की गणना करने का और होता है जिसके लिए श्लोक है, सानुस्वर से विसर्गश्च भवे वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पादान यो अपि व, अनुस्वार से युक्त हो है ना, विसर्ग से युक्त हो या संयोग संयुक्ताक्षर हो तो पूर्व का वर्ण क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे कि हम आगे देखेंगे जब मात्राएं लगाएंगे तो हम देखेंगे कि उसमें अनुस्वार से युक्त है या विसर्ग से युक्त है तो वो वर्ण क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। इसके अलावा जो संयोगांताक्षर है संयुक्त अक्षर है उसमें जो पूर्व का वर्ण है वो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। और एक और कंडीशन आती है गुरु पढ़ने की और लघु पढ़ने की, कई बार छंद पूर्ति के लिए कई बार क्या होता है कि छंद पूर्ति के अंतिम वर्ण लघु होता है तो उसको हम गुरु मान लेते हैं, गुरु होता है तो हम लघु मान लेते हैं। यह हम विकल्पात्मक रूप से कर रहे हैं, सामान्यतः दक्षण के अनुसार ही चल जाता है। लेकिन विकल्प हमने हमेशा मान लेते हैं। बेटा पानी रुक रुक